हेलो गाइस, मेरा नाम है एमके सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईफोन 11 लॉन्च हो गया, 20 सितंबर से ही अमेरिका में मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द इंडिया में भी आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए इतना बता दूं कि मैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बताने के लिए नहीं हूँ और ना ही मैं इसका रोस्ट करने के लिए हूँ, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको एक तरह से रोस्ट लगेगा, क्योंकि इतना अपग्रेड नहीं है और इतनी ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें यहाँ नहीं दी गई है। यानी कि आपको ट्रिपल कैमरे वाले यहाँ पर आपको स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, लेकिन आईफोन 11 में आपको ट्रिपल कैमरा नहीं, आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 65,000 रुपीज़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि 65,000 रुपीज़ में डबल कैमरा और उसके साथ में आपको नोच वाली डिस्प्ले, यार इस ज़माने में नोच कौन ले रहा है यार, मतलब 10,000 रुपये में भी आपको फुल स्क्रीन और डॉट नोच वाली डिस्प्ले मिल रही हैं। और 15,000 तक अगर आप आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल पैसे लेस डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, नोच का नामो निशान नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई यार कि अगर आप 2019 में अगर नोकिया का 3310 यूज़ करेंगे तो आपको अजीब तो लगना ही है। तो ये ट्रेंड पुराना हो चुका, मानते हैं कि आईफोन ने ये ट्रेंड निकाला था नोच वाला, लेकिन भैया इस ट्रेंड को कब तक फॉलो करोगे यार, मतलब पब्लिक कुछ अलग डिमांड करती है। एक तो इनके आईफोन 10 इंडिया में इतने बिके नहीं, उसके बाद इन्होंने आईफोन 11 एक बकवास तरीके से लॉन्च किया है और वहाँ पर भी आपको कुछ खास स्पेसिफिकेशंस और कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं मिलता है। सिर्फ इनका जो प्रोसेसर है बस मुझे वही अच्छा लगता है, जो इनका A13 बायोनिक चिप है, बहुत कमाल की चिप है, बहुत कमाल का प्रोसेसर है। और इनकी भी दो ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक तो इनका प्रोसेसर और दूसरा इनकी टेक्निक, जिस तरह से ये लोगों को चूतिया बनाते हैं। और बस बाकी बात रही इनकी स्पेसिफिकेशंस की, तो अब आप स्पेसिफिकेशंस क्या है, इनकी डिज़ाइनिंग टीम की जितनी तारीफ़ हो रही है सोशल मीडिया पर, इतने लोगों ने अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रखी है, ट्विटर पूरा भरा पड़ा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 11 एक पूरे गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने वाला है, सबसे ज़्यादा मीम बनाने वाला स्मार्टफोन। जी हाँ, इस स्मार्टफोन के ऊपर इतनी मीम्स बन चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा। और जिसने भी डिज़ाइनिंग टीम को बनाया है, जिसने भी उनको अपॉइंट किया है और जिसने डिज़ाइन बनाया है, जिसने डिज़ाइन पास किया है, सबकी एक तरफ से क्लास ली जा रही हैं। और इसके जो कैमरा सेटअप है वो तो भाई उसकी इतनी बुराइयाँ हो रही हैं, इतने मीम्स बन रहे हैं उसके ऊपर कि कुछ कह नहीं सकते। कीमत 65,000 से स्टार्ट हो रही हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा है खास, इससे अच्छा तो आपका रेडमी K20 Pro है। और क्योंकि प्रोसेसर की अगर हम बात करें, सिर्फ प्रोसेसर को छोड़ दें तो A13 बायोनिक चिप जो है 855 से थोड़ा मतलब स्लाइटली ऊपर है, इतना खास ऊपर भी नहीं कि डबल ट्रिपल आपको परफॉर्मेंस देगी। 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है और हमारा स्नैपड्रैगन 855 भी 7 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, तो कोई ज़्यादा खास फ़र्क दोनों में है नहीं, लेकिन इनके प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिकेशंस इतनी खास नहीं है। अगर कैमरे की बात करें तो एप्पल के आईफोन से अच्छा आपको जो गूगल के पिक्सल फ़ोन्स आते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको सिर्फ कैमरा फ़ोन ही लेना है, नाइट मोड ज़बरदस्त चाहिए, तो पिक्सल फ़ोन्स में क्या कमी है यार, वो भी तो इससे थोड़ा सस्ते ही आते हैं, इसके आसपास के रेंज में नहीं है, इससे बहुत कम, और आपको इससे अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेंड की, तो लोगों को सिर्फ लगता है कि यार हमें एप्पल का लोगो मिल जाए, तो इतना कहूँगा कि यार अगर आज के टाइम में अगर एप्पल अपने नोकिया 3310 को उठा कर उस पर भी एप्पल का लोगो चिपका देगा तो लोग उसको भी 50,000 रुपये में खरीदने को रेडी होंगे और उसे अपना स्टेटस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एप्पल के स्पेसिफिकेशन नहीं बिकते हैं, सिर्फ नाम बिकता है। तो इसलिए स्पेसिफिकेशन बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिनको लेना है वो लेगा और आप किसी को कितना भी समझा दो, जिसे नहीं लेना वो नहीं लेगा, कितना भी ट्रेंड हो। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से सोचेंगे और स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आप कभी भी ये फ़ोन नहीं ले सकते। इससे अच्छा आपको सैमसंग S10 और साथ में आपको OnePlus 7T, ये काफ़ी अच्छे जो स्मार्टफोन्स है वो आपको दे रहा है इतने कम प्राइस में। अब बात कर लें इनके मीम्स की तो लिस्ट इतनी लंबी है, कोई कह रहा है कि ये फ्राइंग पैन है, यहाँ पर आपको इस पर रखें आप फ्राइंग पैन पे आप कुछ खाना बना सकते हैं, कोई कह रहा है कि यार ये मेरे नारियल की दो आँखें हैं, कोई कह रहा है कि ये रॉकेट लॉन्चर है, कोई कह रहा है कि यार ये पिकाचू है और इसकी जो आंखें हैं, कोई कह रहा है इसकी आंखें बिल्ली से मिल रही है। तो आपको सारे की सारे मीम्स दिखा रहा हूँ लाइन बाई लाइन, आपको जितना हंसना है हंसी, और मुझे लगता है आप बताइए कि क्या ये मीम्स सही हैं, और क्या सबसे ज़्यादा मीम्स मुझे लगता है कि आईफोन 11 पर ही बने हैं, और इसकी डिज़ाइनर टीम को सलाम, क्योंकि इन्होंने थोड़ा हमें हंसने का मौका दिया है, एंटरटेनमेंट करने का मौका दिया है। तो चलिए देखते हैं इसके मीम्स और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। भाई ये वाली मीम है, इसमें तो ये बताया गया है कि आईफोन हमारा किस टाइप से, हमारा जो आईफोन का सिंगल कैमरा है वो डबल कैमरे में कन्वर्ट होता है टाइम बाय टाइम। कमाल है यार। और यहाँ पर ये बताया है कि आप
इन आईफोन का जो ट्रिपल कैमरा है उसको कैसे आप एक तरह से स्टोव की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका खाना मिसिंग पार्ट शो किया गया है आपकी किडनी। ये आईफोन में जो मिसिंग पार्ट होता है वो आपकी किडनी है, आप उसको दीजिए और आईफोन ले लीजिए। अब यहाँ पर एक बार फिर से आईफोन को जो कैमरे का सेटअप है उनको एक स्टोव की तरह यूज़ किया है और उस पर चाय बनाई जा रही है। एकदम लगता भी है ना यार ये कुछ शेविंग मशीन है और इधर कैमरा है, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं, मुझे तो ज़रा सा ये फ़र्क नहीं लग रहा, आप बताइए। और ये तो कमाल है यार, क्या उल्लू की आँखें मैच की गई हैं इस कैमरे से। कैमरे का तो पता नहीं लेकिन जो लोग इस फ़ोन को ख़रीदेंगे वो तो आप जानते ही हैं, ये इस पिक्चर से साबित हो जाता है। ये है बिल्कुल बाइक करते टाइम या फिर आपकी अपनी किडनी, हद कर दी है यार लोगों ने, बिल्कुल बैंड बजा दी। यहाँ पर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो गूगल का वॉलपेपर होता है, जो सॉरी एप्पल का वॉलपेपर होता है वो किस टाइप का है, ये तो कमाल कर दिया है। बाकी यहाँ पर मीम्स और हैं, फिजिट स्पिनर को दिखाया गया है, इसके कैमरे का जो सेटअप है और सेम सेम किया गया है इनके कैमरे सेटअप के साथ, उसको मोटिवेट मतलब थोड़ा एनहांस कर दिया है। यहाँ पर एलियंस की आँखें दिखा दी हैं कि आंखें एलियंस की और उनका जो मुंह है वो बिल्कुल कैमरा सेटअप की तरह होता है। मीम्स तो मीम्स है भाई, कमाल कर दिया। और ये तो हद कर दी यार, यहाँ पर आपको 3 पिन का जो चार्जर है वो दिखाया गया है कि आप यहाँ से इसको लगा करके चार्ज भी कर सकते हैं इनका ये क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है यार देखने में तो अच्छा लग रहा है और लग भी रहा है कि हाँ कि ये इससे इंस्पायर्ड हो सकता है इसका डिज़ाइन। और ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्यूचर ऑफ आईफोन, जी हाँ पूरी बैक साइड में कैमरा, लेकिन ये फ्यूचर ऑफ आईफोन से पहले फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये तो गजब है, आईफोन लेने से पहले और आईफोन लेने के बाद की पिक्चर आपको दिख रही हैं। तो भैया बाय बाय, जय हिंद।